अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए हैं बाबरिम के हट्स पे। जो आपको पता होगा, एक दो साल पहले जो है ये हट्स यहाँ पे बनाए गए, यहाँ से वॉकिंग के लिए पाथ बनाए गए ताकि हमारा श्रीनगर स्मार्ट सिटी जो है वो वेरीफाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है टूरिस्ट भी आते हैं या हमारे लोकल रेजिडेंट्स की बात करें, वो गर्म से बाहर आएंगे तो उनको जो है अच्छा फील होगा। लेकिन वहीं पे बात यहाँ तक पहुँची है कि ये हट्स जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए हैं। यहाँ पे बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की भी, यहाँ पे बात आती है हमारे लोकल्स की, क्योंकि अगर हमारे लोकल्स ये खराब नहीं करते, वो ये डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो ये नहीं तोड़ते, तो आज हमें ये सही सलामत देखने को मिलता। लेकिन दूसरी तरफ बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने यहाँ पे किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रखा है। कुछ लोकल से हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये खराब होने की वजह से क्या ये जब बनाया तो कैसा फील हो रहा है उनको। ये बड़े रोन के हट्स के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे फाउंटेन भी लगाए हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो ये तबाही हुआ है, बनाने के बाद उन्होंने इसको एकदम छोड़ दिया है। तो हमने इनको बताया कि जो आपने ये हट्स बनाया इसके पीछे आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया हमें इसको कॉफ़ी शॉप बनाना है, थोड़ा डिफरेंट नज़ारा मिलेगा, अच्छा लगेगा सबको, नहीं कि शहर खास में भी कुछ डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन बनाने के बाद ना आज तक कोई कॉफ़ी शॉप खुला है ना यहाँ पर कोई देखने आया है। बनाया था हमारे लिए ही गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए बनाया था, लेकिन हमें इसका फ़ायदा उठाना नहीं आया। हमारे कुछ किसी को मतलब हमारे ही भाई ने इसको तोड़ फोड़ कर दिया, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या इस टाइम। हमारे जहन में ये था कि हम इनको आउटसोर्सिंग के थ्रू इनको आउटसोर्स करेंगे, और ताकि एक तो वहाँ रोज़गार जनरेट हो जाए और दूसरा ये है कि वो तहफ़ में भी रहें। हमने तकरीबन 3 बार वो टेंडर आउट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणोंवश वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, बट हम जल्दी ही उसको आउटसोर्सिंग के थ्रू वो रिवाइव कराएंगे। कहीं कहीं से शिकायतें भी आ गई कि वो हट्स डैमेज भी हो गए हैं, हमने वो पुलिस के साथ भी मैटर टेकअप किया, हमारा वार्ड भी हमने डेजिग्नेट किया है उसके लिए स्पेसिफिकली, वो भी उसको देख रहा है। बट आपकी वसात से ये भी मैं अर्ज करूँ, हम सबकी जिम्मेदारी है, जो भी पब्लिक का असासा होता है हमारी सबकी इखलाक की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। हमने एक फोर शोर वाला एरिया है वहाँ पर तकरीबन 20 कैमरा अभी नस्ब किए हैं, सेकेंड फेज में हम इन एरियाज़ में भी सीसीटीवीज़ नासिब करेंगे, वो मॉनिटरिंग के लिए हैं। हमने एक वॉचर्स जो हमारे होते हैं जो एनफोर्समेंट में है उनको डेजिग्नेट किया हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कहीं पे भी डैमेज हो रहा है वी टेक रिपोर्ट्स फ्रॉम हिम। फाउंटेन्स हमने नस्ब किए थे और वो चलाए भी गए थे, बट कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो थोड़ा सा वहाँ सिल्ट वगैरह एकुमुलेशन हो गया था, हमने PTD से टेकअप किया है उनको परमानेंट कनेक्शन के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही हम उनको शुरू करेंगे। लोगों का यही कहना था कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद होती, यहाँ पे CCTV कैमरास होते तो आज ये डिस्ट्रॉइंग हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो ड्रग पेडलर्स बैठे होते हैं, वो जो यहाँ पे नशा करते हैं और यहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, उस वजह से ये देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन अब कौन सा नया फैसला लाती है इसमें, क्या ये फिर से रिनोवेट होंगे, क्या फिर से यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड आएगा, या यहाँ पे जो है CCTV कैमराज लगाएंगे। ये रिपोर्ट मुझे आ रही थी मैसमो भट्ट, कैमरामैन उमर फारूक के साथ श्रीनगर से द कश्मीर वाला के लिए।